BBCN News, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। हाथरस के क्षेत्र गांव भरतपुर मथुरापुर में शासन द्वारा मिनी स्टेडियम भूमि पूजन व शिलान्यास का स्वीकृति दी गई। मिनी स्टेडियम के लिए 4,73,30,000 की लागत को स्वीकृति दी गई। 16 बीघा जमीन आवंटित कराई गई। स्वीकृति माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई, जिसका भूमि पूजन वीरेंद्र सिंह राणा विधायक सिकंदर राव द्वारा किया गया। आयोजन में सभापति ओपी सिंह, प्रधान, जिले के कार्यकर्ता व क्षेत्र के युवा नई सोच नई उमंग के साथ मौजूद रहे। साहब, ये गांव भरतपुर में जो है आपने भूमि पूजन किया है, स्टेडियम बनना है, ये कितनी लागत से बनना है, कब तक बन के तैयार होगा साहब जी? ये क्रीड़ा स्थल 4,50,000 की लागत से बनने जा रहा है जी, और ये कम से कम 1.5-2 साल में पूरा हो जाएगा। आप आज आपने भूमि पूजन किया है इसका जी? ठीक है। यहाँ पे जो है मिनी स्टेडियम खुला है, आपको कैसी खुशी हो रही है, क्या महसूस हो रहा है आपको? जो आज हमारे गांव में जो मिनी स्टेडियम का उद्घाटन माननीय विधायक जी ने किया है, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए हम बरसों से संघर्ष कर रहे थे, जो माननीय विधायक जी द्वारा जो आज पूरा हुआ है। क्या नाम है साहब आपका? राम कुमार शर्मा, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। हम करीब 15-20 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, जो माननीय विधायक जी ने इस सपने को हमारे को पूरा किया है। ठीक सर, हमारे और यहीं का ही मैं रहने वाला हूं। यहां पर मैंने 2 बार टूर्नामेंट कराए, इसीलिए कराए कि ये हमारे क्षेत्र में यहां पर किसी प्रकार का कोई ग्राउंड नहीं था, तो आज जो है हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मोदी योगी जी ने जो है हम लोगों को ये सौगात दी है। इसमें 4,60,00,000 रुपये जो है यहाँ दिया है। इससे जो हमारे जो आगामी समय में बच्चों को यहाँ जो है खेलने के लिए मिलेगा, और जो है हमें बड़ी खुशी है कि ये जो है आज जो है यहाँ का आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है, और यहाँ पर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, और यहाँ जो आयोजन हुआ है उसकी भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत खुशी है। तो मेरी भी अभिलाषा यहाँ पर पूरी हुई है, मेरी भी ये तमन्ना थी कि यहाँ पर एक भव्य जो ग्राउंड बने, जिससे जो क्षेत्र के जो सभी बच्चे खेलें, और आगामी आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है यहाँ पर जो है अपने खेलों को खेल सके और अपने उज्ज्वल भविष्य को बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।